Hey, what's up guys? And I wish all of you a very very happy new year. तो दोस्तों एक नया साल में एक नया वीडियो लेके मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जिस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा ऐसा पांच चीज है जिसके बारे में हम लोगों को गूगल में सर्च नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं इंट्रो के उस पार। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों को कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है तो हम लोग झट से गूगल में जाके उसको सर्च करके उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को एपीके फाइल के हिसाब से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने से पहले कोई भी एपीके फाइल हमारे स्क्रीन के ऊपर ऐसा एक इंटरफेस आता है और हम लोग झट से उस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके उस एपीके फाइल को हमारे फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल भी कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पर है, हम लोग बहुत बार बिना सब कुछ जाने हुए कोई सॉफ्टवेयर के जगह मैलवेयर को हमारे फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और जब भी हम लोग कोई मैलवेयर को हमारे फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा जितना भी प्राइवेसी डेटा है या फिर बैंक का डेटा है वो सब कुछ, जितना भी प्राइवेसी डेटा है वो सब कुछ हैकर के हाथ में जा सकता है दोस्तों। तो इसी वजह से मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च ना करें। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा करते हैं हम लोग, हमारा बैंक में लॉगिन करने के लिए ऑनलाइन में हम लोग गूगल में जाके बस बैंक का नाम लिख देते हैं और उसका वेबसाइट को हम लोग सर्च करते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही गलत है क्योंकि दोस्तों आप लोग अनजाने में अगर कोई दूसरा फेक वेबसाइट में अगर जाके अपना बैंकिंग डिटेल्स देकर लॉगिन करते हैं तो दोस्तों हो सकता है हैकर के पास आपका बैंक का पूरा डिटेल्स चला जाए या फिर आपका जितना भी पैसा हो वो सब फ्रॉड केस में जा सकता है। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कभी भी अगर आपको पूरा फुल्ली उस बैंक का वेबसाइट पता है तभी जाके उसको लिख के आप ऑनलाइन में लॉगिन करिए, नहीं तो हमेशा उस बैंक का एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में मिलता है उसमें जाके आप लॉगिन करिए फॉर योर सेफ्टी। दोस्तों तीन नंबर जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो है गूगल में जाके मेडिसिन सर्च करते हैं और हम लोग उसको खा भी लेते हैं। दोस्तों हमेशा आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा हमेशा प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के ही मेडिसिन खाना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत बार ये गलती कर देते हैं कि हमारे घर पे हमारा फैमिली मेम्बर हो चाहे खुद का ही हो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग खुद से ही गूगल से जाके पढ़ाई करके हम लोग मेडिसिन खरीद के खा लेते हैं। दोस्तों इसके वजह से हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा साइड इफेक्ट भी पड़ सकता है और इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा फॉलो करिए और गूगल में जाके कभी भी सर्च करके मेडिसिन खरीद के मत खाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो गलती हम लोग करते हैं वो है शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में। बहुत बार हम लोग गूगल में जाके सर्च करते हैं और शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के लिए आइडिया ढूंढते हैं कि कैसे हम लोग 10 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर हमारा पैसा डबल हो जाएगा या फिर बहुत बड़ा अमाउंट हम लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों गूगल में जाके अगर हम लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारा हज़ारों ऐसे वेबसाइट आप लोगों को मिलेगा जो एकदम फेक न्यूज़ और फेक चीज़ आप लोगों को बताएगा कि कैसे आप 10 दिन के अंदर या फिर 20 दिन या फिर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों को मिल सकता है अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में हमेशा आप लोगों को पेशेंस रख के ही चलना पड़ता है तभी जाके आप लोगों को उस तरह का अमाउंट मिल सकता है। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कभी भी ऐसा आइडिया गूगल में जाके सर्च मत करिए क्योंकि फ्यूचर में आपको ही बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
लास्ट यानी कि पांच नंबर जो गलती हम लोग दोस्तों करते हैं वो है कस्टमर केयर का नंबर हम लोग गूगल में जाके सर्च करते हैं। मान लीजिए आप कोई शॉपिंग वेबसाइट से कोई चीज शॉपिंग किए हैं और उसको रिटर्न भी कर दिए है, लेकिन आप लोग को जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा अभी तक किसी कारण नहीं मिला है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जाके गूगल में सर्च करते उस वेबसाइट का कस्टमर केयर नंबर, जो एकदम ही गलत है दोस्तों। आप लोगों को अगर उस वेबसाइट का कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो उसका एप्लीकेशन में ही आप लोगों को मिल जाएगा हमेशा, क्योंकि गूगल में बहुत सारा हैकर लोग ऐसा फेक नंबर बना के रखता है जिस नंबर पर अगर आप फोन करेंगे तो वो लोग पूरा आपका फुल्ली डिटेल्स जान लेगा, हो सकता है आपका बैंकिंग डिटेल्स भी जान ले और आपका सब कुछ पैसा या फिर प्राइवेसी या फिर डेटा वो लोग लीक भी कर सकता है। तो दोस्तों हमेशा ख्याल रखिएगा, कभी भी गूगल में आप लोगों को ये पांच चीज सर्च नहीं करना चाहिए फॉर योर ओन सेफ्टी। तो दोस्तों इसी तरह अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए।